इसको पकड़ कर रखना गिर जाएगा। नहीं ये आगे सामने से सामने से यहाँ से हट जाइए आप पीछे ये पीछे पीछे और इसको इसको पकड़ना इसको पकड़ना आगे ये फोटो पेपर में आ गई ये नहीं आएगा Pinkerton is coming! बजे ये रन की शुरुआत है। हम आज हैं बॉम्बे में हॉर्नमैन सर्कल एशियाटिक लाइब्रेरी के पास। यहाँ 100 200 300 पता नहीं कितने महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं। आज ये रन होने वाला है, इट्स कॉल्ड द फियरलेस रन और ये एक प्रोमो है, प्रोमोशनल रन है पिंकथॉन के लिए, इनविंसिबल वुमेन रन के लिए जो 15 दिसंबर को होने वाला है। तो आज के रन का मकसद ये है, हम बताना चाहते हैं कि जो भी हम करना चाहें हमारे शहर में या किसी भी शहर में हम कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, दिन में या रात को। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। पुलिस तो हमारे साथ होती ही है जो भी काम हमें करना है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें याद रखनी, हमें केयरफ्री बनना है, किसी चीज़ का डर नहीं रखना है, लेकिन अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है, सबका ख्याल करके हमें अपना काम करना है। तो आज ये जो रन होने वाला है 12 बजे, ये बताने के लिए कि हम जो भी हम चाहे हम कर सकते हैं। 80 साल के भी दौड़ सकते हैं, 80 साल के लोग भी दौड़ सकते हैं और छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जो भी हम करना चाहते कर सकते हैं। हमारे साथ पूरी समाज है, पुलिस है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए, वो बात सही है, हमें केयरफुल रहना चाहिए, ये मैसेज है हमारा। सब कितना जरूरी हो जाता है क्योंकि आज ज्यादा करके मैंने देखा है जी, कि लोग सुबह सुबह करते हैं ये सारा जो चीज होती है, ये अब फियरलेस यानी लोग के अंदर से डर निकालना चाहिए। खासकर तो मुझे लग रहा है महिलाओं के अंदर की बात करिए कि महिलाओं के सबके लिए है, लेकिन महिलाओं को बताना चाहिए कि हम भी निडर है, हम भी समाज के साथ ही हैं, समाज भी हमारे साथ है, जो भी हम करना चाहते हैं वो हम करेंगे और निडर रह के करेंगे, लेकिन सतर्क रहेंगे क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमको केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सब लोग जो हम जानते हैं सब लोग अच्छे नहीं होते, हाँ, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पुलिस बताती है कि सबको बता के जाना, कहाँ जा रहे हो, अगर किसी गाड़ी में बैठे हों तो किसी को बताओ कि गाड़ी का नंबर क्या है, टैक्सी का नंबर क्या है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सर क्या कुछ फिटनेस टिप देना चाहेंगे? फिटनेस टिप्स अगर बताना चाहते हैं आपके फिटनेस टिप क्या है, मैं हिंदी हिंदी में, मेरा नाम गूगल आंटी 72 है, मैं अभी 80 साल की हूँ, ये मिलियंस वुमन ने हमको पागल कर दिए और मुझे लेकिन मैं बताऊंगा, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना हर रोज बहुत जरूरी है, अपने मन के शांति के लिए और शरीर की शक्ति के लिए। yes. थोड़ा सा समय, अगर 5 मिनट मिले तो 5 मिनट, 3 मिनट तो 3 मिनट, 1 घंटा मिले तो 1 घंटा, बहुत बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, जिम भी जाने की ज़रूरत नहीं, अगर अच्छा लगता है जिम तो जा सकते हो, लेकिन घर पे भी एक्सरसाइज हो सकते हैं। सूर्य नमस्कार मेरे ख्याल से सबसे अच्छा और इजी और कन्वीनियंट एक्सरसाइज है और वही भी हमारा ट्रेडिशन है। बिल्कुल, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, दौड़ना हमें पसंद है, अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा समय, अभी हम जानते हैं भाई पैंडेमिक से निकले हैं हम लोग, तो पता है कि हेल्थ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है,
और मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा समय बिल्कुल, बिल्कुल, दिन में खाने पीने अपने लिए, अपने मन के लिए और शरीर के लिए बहुत जरूरी है। खाने पीने का जरूर ख्याल रखना है, रखना है, वेरी इम्पोर्टेंट रखना है। और मिलन सर को रोज याद करना है, जो हमारे करीब के लोग हैं उनके सबको प्यार देना है, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Well, I'm so happy that इतने सारे लोग, इतने सारे महिलाएं साथ में आए हैं मिडनाइट रन के लिए। बहुत खुशी हो रही है देख के कि इतने सारे महिलाएं साथ में, हम लोग सब साथ में दौड़ रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। यही देखना चाहते हैं हम सोसाइटी में, एंड कि एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ देमसेल्व्स। एवरी वुमेन हैज द राइट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड दे शुड प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स। एक्सेलेंट, चलो, थैंक यू, थैंक यू। और पीछे ओके, एंड इट इज नॉट 12 o'clock। जितेंद्र पीछे आ जाना। हाँ दिया हुआ तो भाई, अब कहाँ से लोग भाग ही नहीं रहे करने आए।